हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय चैनल परवीन चौधरी फिटनेस, जहां मिलता है ज्ञान आपको फिट रहने का। जैसा कि आपको पता है, हमारी बिगनर सीरीज चल रही थी, जिसके अंदर अभी तक हम चेस्ट की वर्कआउट कर चुके हैं, ट्राइसेप्स की वर्कआउट कर चुके हैं, बैक वर्कआउट कर चुके हैं। जो हमारी नेक्स्ट वर्कआउट रहने वाली है वो हमारी रहेगी बाइसेप्स की। सो लेट्स स्टार्ट बिगनर्स। तो फर्स्ट सेट हमारा रहेगा बारबेल कर्ल। इसके अंदर हमें 3 सेट्स लगाने हैं, 15, 12 एंड 10। एंड ट्राई करें कि आप अपनी एल्बोज़ को लॉक रखें, एल्बोज़ को ऊपर ना लाए, ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा जो इफ़ेक्ट आए वो आपके बाइसेप्स पे आए। सेट हमारा रहेगा डंबल कर्ल। इसके अंदर आप डंबल को, इसके अंदर ही पोजीशन सेम रहेगी, आप अपने एल्बोज़ को लॉक रखेंगे और ट्राई करें कि जब डंबल को ऊपर लाए तो अपने अंदर की तरफ कर्ल करें, ताकि वो मेन इफेक्ट आपका बाइसेप्स पे आए। 3 सेट इसके अंदर भी आपको करने हैं, 15, 12 एंड 10। नेक्स्ट सेट हमारा रहेगा प्री चेयर। इसके अंदर मैं प्रेफर करूँगा आप जिगजैग रोड का यूज़ करें। अगर आपकी जिम में जिगजैग रोड नहीं है तो आप प्लेन रोड का भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर आपको अपनी एल्बोज़ को टाइट रखना है और ट्राई करें कि आप अपने शोल्डर से ना उठाएं वेट को। वेट जितना भी हो सके आप अपने बाइसेप्स से उठाएं, मींस आप बाइसेप्स को स्लो डाउन ही ऊपर ले जाना, स्लो डाउन प्रॉपर नीचे आने दें, ना कि इसे बीच से आप मारें, ताकि आपका प्रॉपर जो वर्क होगा वो आपके बाइसेप्स पे होगा। नेक्स्ट सेट जो आपका रहेगा वन आर्म प्री चेयर, सेम इसके अंदर 15, 12 एंड 10 रेप्स लगाने हैं और ट्राई करना है इसके अंदर भी सेम कि आप अपने जितने हाथों को नीचे की तरफ टाइट रखेंगे उतने आपका इफेक्ट आपके बाइसेप्स पे आएगा। सेम इसके अंदर भी ये है कि आप बाइसेप्स को पूरा नीचे फ्लैक्स करें एंड दोबारा पूरा प्रॉपर उसे ऊपर आने दें। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी रहेगी केबल कर्ल। सेम 15, 12 एंड 10 रेप्स लगाने हैं 3 सेट्स के अंदर और ट्राई करें कि आप अपने एल्बोज़ को लॉक कर लें। जितना एल्बोज़ को आप स्टेबल रखेंगे उतना ही ज़्यादा इफेक्ट आपका बाइसेप्स पे आएगा। तो ट्राई करें कि हमेशा एल्बोज़ को लॉक रखें एंड फॉर्म को हमेशा स्लो डाउन नीचे जान दें, ताकि आपका मसल कॉन्ट्रेक्शन ज़्यादा ज़्यादा हो सके बाइसेप्स पे। लास्ट सेट हमारा रहेगा हैमल कर्ल। इसके अंदर आप अपने मैक्स वेट जितना भी आप ले सके लास्ट तक जाएं एंड इसके अंदर आप 4 सेट लगाएंगे, ताकि ये आपका लास्ट एंड फिनिशिंग टच है। तो इसमें ट्राई करें कि अपनी एल्बोज़ को टाइट रखें और हैमर की तरह जस्ट इसे ऊपर ले। इसे ये ना करें कि आप दाएं बाएं करें, इसे सिंपली आपको सेम पोजीशन में ऊपर लाना है एंड स्लो डाउन नीचे सेम पोजीशन में। अपनी एल्बो जितनी ज़्यादा टाइट रहेगी उतना ही ज़्यादा इफेक्ट आपकी हैमर पे आएगा। ये आपकी जो लास्ट पोजीशन ऑफ बाइसेप्स होती है ये उसकी हेल्प करता है आपको बढ़ाने में। सो ट्राई करें, एल्बोज़ को लॉक रखें और मैक्स सेट तक जाएं आपने। थैंक यू सो मच वीडियोस को पूरा देखने के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी और जो बिगनर्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू सो मच। और जिन्होंने भी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली नई नई वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो। थैंक यू सो मच।